हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल फिर से हाजिर हूँ इस नए टॉपिक के साथ। हाँ, तो अब तक हम जान चुके हैं ग्लास लैब और अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन के बारे में। अब बारी आती है उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन की। आज की इस वीडियो में हम उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बारे में जानेंगे और साथ ही एक एक्टिविटी भी करेंगे। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें लगभग वही सारी चीजें चाहिए जो पिछली एक्टिविटी को करने के लिए पड़ी थी। बस फर्क सिर्फ लेंस का होगा। पिछली एक्टिविटी में अवतल लेंस था, इस एक्टिविटी में उत्तल लेंस है। तो किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी हमें? एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी होगी 15 सेंटीमीटर, एक स्क्रीन, एक मोमबत्ती और एक व्हाइट चार्ट की शीट। याद है, हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाने के अलग अलग केसेस को देखा था। यहाँ भी कुछ इस तरह से ही हम एक्टिविटी को करेंगे। सबसे पहले हम शीट पर एक सीधी लाइन खींच देते हैं और इसके बीच में एक बिंदु अंकित कर देते हैं जिसे ओ का नाम देते हैं। ओ के दोनों ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर F1 और F2 और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2F1 और 2F2 को अंकित कर देते हैं। ये हमारे मुख्य बिंदु रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा लेंस हमेशा ओ पर रहेगा और लेंस की एक तरफ मोमबत्ती रहती है और दूसरी तरफ स्क्रीन रहती है। जैसा कि अवतल दर्पण के केस में बिंब को 6 अलग अलग स्थान पर रखा जाता था, यहाँ भी 6 अलग अलग केस बन सकते हैं। पहला अनंत पर, दूसरा 2F1 से परे, तीसरा 2F1 पर, चौथा 2F1 और F1 के बीच, पांचवा F1 पर और आखिरी F1 और O के बीच। पहला केस, यदि मोमबत्ती अनंत पर रखी हो तो मोमबत्ती से आने वाला प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर होगा और अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब F2 पर बनता नजर आएगा। प्रतिबिंब आकार में बहुत छोटा और साथ ही वास्तविक एवं उल्टा रहेगा। केस 2, यदि मोमबत्ती 2F1 से परे रखी हो तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनता नजर आएगा। प्रतिबिंब का आकार छोटा और साथ ही वास्तविक एवं उल्टा रहेगा। केस 3, यदि मोमबत्ती को 2F1 पर रखा जाए तब प्रतिबिंब 2F2 पर मिलेगा, लेकिन इसका साइज मोमबत्ती के साइज के समान होगा, साथ ही वास्तविक एवं उल्टा भी। केस 4, यदि मोमबत्ती को 2F1 और F1 के बीच रखा जाए तब प्रतिबिंब हमें 2F2 से परे मिलेगा, जिसका साइज मोमबत्ती से बड़ा एवं वास्तविक और उल्टा रहेगा। केस 5, यदि मोमबत्ती को F1 पर रखा जाए तब प्रतिबिंब कहीं अनंत पर बनता नजर आएगा, जिसका साइज बहुत बड़ा एवं वास्तविक और उल्टा रहेगा। केस 6, आखिरी केस में यदि मोमबत्ती को F1 और O के बीच रखा जाए तब प्रतिबिंब स्क्रीन पर बनता नजर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि वो लेंस के आगे की ओर कहीं बन रहा हो। साइज बड़ा रहेगा एवं प्रकृति आभासी और सीधी रहेगी। ये रहा टेबल। इस टेबल में उत्तल लेंस द्वारा बनाए प्रतिबिंब की जगह आकार और प्रकृति को दर्शाया गया है। जैसा कि उत्तल लेंस प्रकाश को कन्वर्ज करते हैं, इसलिए उनका उपयोग मैग्नीफाइंग लेंस और कैमरे के लेंस के तौर पर भी किया जाता है। साथ ही एक नेत्र दोष को ठीक करने के लिए भी उपयोग किया जाता है, जिसके बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। अब तक हम दर्पण और लेंस के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। चलिए एक विभाजन टेबल बनाकर सारे पॉइंट्स को याद रखने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, दर्पण के केस में एक कांच के टुकड़े को पॉलिश कर दर्पण बनाया जाता है, और यहाँ कोई भी पारदर्शी कांच का टुकड़ा यदि वह गोलीय है तो लेंस कहलाता है। नंबर 2, दर्पण हमेशा प्रकाश को परावर्तित करते हैं, वहीं लेंस अपवर्तित करते हैं। नंबर 3, दर्पण समतल या गोलीय हो सकते हैं, जबकि लेंस में 2 पृष्ठ होते हैं जिसमें से कम एक अंदर या बाहर की ओर मुड़ा होता है। आसान भाषा में हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि लेंस कभी भी समतल नहीं हो सकते, जबकि दर्पण समतल हो सकते हैं। नंबर 4, दर्पण परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं, जबकि लेंस अपवर्तन के नियम पर। नंबर 5, दर्पण का एक ही फोकल बिंदु और एक ही परावर्तक सतह होती है, जबकि लेंस के 2 फोकल बिंदु और 2 अपवर्तक सतह होती हैं। हाँ तो दोस्तों, ये तो बात हुई अपवर्तन की। अगली वीडियो में हम लेंस से जुड़े लेंस सूत्र के बारे में जानेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से हमारी और वीडियोस देखते रहिए। टेक केयर।